वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो गाइज मशरूम के लिए यहाँ मैंने हरे मटर ले लिए प्याज कटा हुआ लिया बारीक और टमाटर हरी धनिया और आ, कुछ लाल मिर्च ले लिया था मैंने यहाँ मैंने मशरूम को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके गर्म पानी से धुल लिया अच्छे से तीन चार बार फिर यहाँ तेल हल्का सा डाल के इसे फ्राई कर लिया फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने निकाल दिया हल्का फ्राई करना है फिर यहाँ मैंने तेल लिया हींग डाला उसमें पचफोरन जो होता है वो भी डाला मिर्चें डाले और बारीक जो कटा हुआ प्याज था उसको डाल दिया उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहना अच्छे से जैसे ये गोल्डन गोल्डन ब्राउन होता है उसमें हरे मटर डाल देने हैं हर, हरे मटर डालने के बाद से उसको काफ़ी अच्छे तक अच्छे तरीके से भूनना है और जब तक लगे कि हाँ और नहीं तो उसको ढक्कन लगा के ढक धक, ढक के उसको क्या कहते हैं गलने देना है फिर टमाटर डालना है टमाटर डालने के बाद से मैंने यहाँ डाला है मैगी मसाला काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी स्वाद अनुसार नमक उसको फिर ढक के अच्छे से भून के अच्छे से फिर ढक देना है फ्लेम कम करके और जब अच्छे से ये गल जाते हैं टमाटर भी गल जाएंगे प्याज भी गल जाएगा प्याज तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि प्याज आपने डाला है और हरे मटर भी पूरे गल गए रहेंगे उसके बाद आपको मशरूम डाल देना है इसमें मशरूम डालने के बाद हल्का सा पानी मैंने डाला था क्योंकि ज़्यादा सूखा हो गया था अगर आप सूखा बनाना चाहते हो तो सूखा भी बना सकते हो और तड़ी वाला करना चाहते हो तो हल्का सा पानी डालो उसके बाद मैंने धनिया पत्ता डाला तो हमारा मशरूम की सब्जी रेडी है तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ लव यू बाय टाटा